आप देख रहे हैं TNB। आज मुंबई हमले की 13वीं बरसी है। आज ही के दिन सरहद पार से आए चंद आतंकियों ने देश की आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई में मौत का ऐसा तांडव किया था जिसे कोई भी भारतवासी भूल नहीं सकता। बता दें कि 26 नवंबर 2008 को वो दिन था जब पूरा देश मुंबई में हुई आतंकी हमले से सहम गया था। ऐसे में ये जानने की जरूरत है कि आखिर आज से 13 साल पहले मुंबई में आखिर क्या हुआ था, कैसे आतंकियों ने माया नगरी को लाशों का शहर बना रख दिया था। वो 26 नवंबर 2008 की शाम थी। ख्वाबों का शहर मुंबई अपने शबाब पर था। हर शाम की तरह ये शाम भी गुलजार होते जा रही थी कि अचानक शहर का एक इलाका गोलियों की आवाज से दहल उठा। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये गोलियां सरहद पार से आए आतंकी चला रहे थे। दरअसल मुंबई हमले की शुरुआत लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी कि CST से शुरू हुई थी। पहले पहल तो किसी को ये भी अंदाजा नहीं था कि ये मामला इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे मुंबई के और इलाकों से धमाकों और गोलीबारी की खबरें आने लगी। आधी रात होते होते मुंबई के शहर की फिजाओं में आतंक का असर नजर आने लगा था। आतंक का तांडव मुंबई के सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर शुरू हुआ था। यहां मौजूद किसी यात्री को इस बात का अंदाजा नहीं था कि स्टेशन पर आतंक का खूनी खेल होने वाला है। वहां बड़ी संख्या में यात्री मौजूद थे। दो आतंकियों ने वहां पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग की थी और हैंड ग्रेनेड भी फेंक दिए थे, जिसकी वजह से 58 बेगुना यात्री मौत के आगोश में समा गए थे, जबकि कई लोग गोली लगने और भगदड़ में गिर जाने की वजह से घायल हो गए थे। इस हमले को अजमल आमिर कसाब और इस्माइल खान नामक के आतंकियों ने अंजाम दिया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन के अलावा आतंकियों ने ताज होटल, होटल ओबराय, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल और दक्षिण मुंबई के कई स्थानों पर हमले शुरू कर दिए थे। आधी रात होते होते मुंबई के कई इलाकों में हमले हो रहे थे। शहर में चार जगहों पर मुठभेड़ चल रही थी। पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल भी मैदान में डट गए थे। एक साथ इतनी जगहों पर हमले ने सबको चौंका दिया था। इसकी वजह से आतंकियों की संख्या की अंदाजा लगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। 26 नवंबर की रात में आतंकियों ने अपना रुख पूरी तरह से ताज होटल की तरफ कर दिया था। यहां आतंकियों ने कई मेहमानों को बंधक बना लिया था, जिसमें 7 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। ताज होटल के हेरिटेज विंग में आग लगा दी गई थी। 27 नवंबर की सुबह NSG के कमांडो आतंकवादियों का सामना करने पहुंच चुके थे। सबसे पहले होटल ओबराय में बंधकों को मुक्त कराकर ऑपरेशन 28 नवंबर की दोपहर को खत्म हुआ था, और उसी दिन शाम तक नरीमन हाउस के आतंकवादी भी मारे गए थे। लेकिन होटल ताज के ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में 29 नवंबर की सुबह तक का वक्त लग गया था। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में खून की होली खेलने वाला आतंकी अजमल आमिर कसाब मुठभेड़ के बाद तारदेव इलाके से जिंदा पकड़ा गया था। वो बुरी तरह घायल था। बाद में उसने पाकिस्तान के आतंकी साजिश की पोल खोलकर रख दी थी। उसी ने मारे गए अपने साथियों के नाम का खुलासा भी किया था। बाद में कसाब पर मुकदमा चला और फिर उसे सजाए मौत दी गई। मुंबई हमले की रणनीति और आक्रामकता देखकर लग रहा था कि हमले में कई आतंकी शामिल हो सकते हैं, लेकिन हमला खत्म हो जाने और कसाब के पकड़े जाने के बाद साफ हो गया था। इस काम को अंजाम देने के लिए 10 आतंकवादियों को तैयार किया गया था। उन्हें पाकिस्तान की सरजमी पर आतंकी ट्रेनिंग दी गई थी। उसके बाद वो आतंकी 26 नवंबर को एक बोट से समुद्र के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे। पुलिस ने जली हुई बोट को भी बरामद कर लिया था। वहीं मुठभेड़ के दौरान ATS के चीफ हेमंत करकरे, SI अशोक कामटे और विजय सालस्कर शहीद हो गए थे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आतंकियों के इस हमलों को नाकाम करने के लिए 200 NSG कमांडो और सेना के 50 कमांडो को मुंबई भेजा गया था। इसके अलावा सेना की 5 टुकड़ियों को भी वहां तैनात किया गया था। हमले के दौरान नौसेना को भी अलर्ट पर रखा गया था। मुंबई के आतंकी हमले को नाकाम करने के अभियान में मुंबई पुलिस, ATS और NSG के 11 लोग वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसके अलावा इस हमले में 137 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि लगभग 300 लोग घायल हो गए थे। उस दिन मुंबई शहर को आतंकियों ने हिलाकर रख दिया था। उन्होंने हर तरफ कोहराम मचाया था। शहर के हर हिस्से में दहशत और मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। आतंकियों के खिलाफ मुंबई में 11 जगहों पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की थी, जिससे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन, दक्षिण मुंबई पुलिस मुख्यालय, लियोपोल्ड कैफे कोलाबा, ताजमहल पैलेस एंड टावर होटल, ओबराय ट्राइडेंट होटल, मंचगांव डाक, कामा अस्पताल, नरीमन हाउस, विले पार्ले, उपनगर उत्तर मुंबई, गिरगांव चौपाटी और तारदेव इलाका शामिल था।
हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।